हमने जो ब्रेकफास्ट है वो रूम में ही मंगा लिया है, हम वहां गए नहीं। अब सोच रहे हैं लंच में ही वहां जाएं और वहां से हम जाएंगे घूमने थोड़ी देर के लिए, देखते हैं किस जगह पर प्लान बनता है। पूजा किस जगह बनेगा, देखते हैं कहां बनता है ना। तो तुम्हारा ब्रेकफास्ट भी आ गया, कर लो मन्नू, कर लो आप भी, ठीक है। हाँ करो फिर, तैयार होकर चलते हैं। हाँ बस 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 फटाफट, आराम थोड़ा करने। हाँ नहीं नहीं आराम थोड़ा करने आए हैं। हाँ तो गाइस आलू के परांठे आए हैं और सब्जी है और दही है। तो गाइस बिल्कुल मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैं ना दूसरे कपड़े कुछ भी नहीं लाई थी, जो शादी में डालने के लिए लाई थी, एक लाई थी जो मेरे को कल रात को पहनने थे। तो जब हम गए तो उनका सब कुछ वाइंड अप हो चुका था, तो उसके बाद तो मतलब ही नहीं होता था। तो मुझे नहीं पता था, हो सकता है हम दिन में घूमने का प्लान बनता है नहीं बनता, मैंने कहा वहीं जाना पड़े, तो मैं उस हिसाब से सूट लेके नहीं आई थी। तो मैंने कहा अब जब लेके आई हूँ, मैं उठा के भी लाई हूँ, तो यही डाल के अब उनके घर चलते हैं। तो मैं होगी रेडी, और मैंने कहा जो देना है उनको वो भी दे देते हैं। तो अब बस पूजा और मैं चलते हैं वहीं पर ही। गाइस हम आ गए हैं वापस शादी वाले घर में, तो बस घुसते हैं अंदर देखते हैं। तो मैं हो गई हूँ शादी पे जाने के लिए रेडी, पूजा अभी हो रही है और मन्नू भी हो रहे हैं, पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। और गाइस बालों में ना बड़ा ऑयल सा आ गया, पर कोई नहीं, बट कोई नहीं, मैंने कहा चलो ऐसे ही ठीक है। तो अब बस जाने को निकलने को रेडी हो चुके हैं, और पूजा और मन्नू भी रेडी हो रहे हैं, बस 10 मिनट में हम निकलते हैं और टाइम से शादी में पहुँचते। तो पहुँच चुके हैं कंचन की शादी पे गाइस, और यहाँ पर है इसकी शादी, ये देखिए गाइस, ये यहाँ जाते हैं देखते हैं अंदर। और मम्मी को बहुत क्रेज हो रहा था, मम्मी कह रही थी देखना है कैसी लग रही है। क्रेज 3 दिन लेट आ रहे हैं, कौन सा क्रेज, ब्राइडल लुक देखने का था। हाँ बहुत खराब थी, मैंने प्रॉमिस किया था आएंगे और ये प्रॉमिस नहीं पाया। नहीं नहीं पापा को भी करो कैप्चर मेरी। आज आज आंटी ने बस साड़ी, आंटी ने जिंदगी में दूसरी बार साड़ी पहनी है, ये भी बता दो। शरद एंट्री शादी में होता है, लड़की की शादी में होता है, मम्मी भी साड़ी में कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने लहंगा पहना था, मैं आपको बताऊं। आंटी आपने मुझे भी शादी में ओपन ईयर रखे थे ना? नहीं नहीं, शादी पे ब्रेक थी, फिश ब्रेक थी, फिश ब्रेक थी। तो गाइस सबसे पहले मैंने ली है कॉफ़ी, तो मेरा दिल करता है कॉफ़ी पीने का, तो मैंने कहा सबसे पहले लेती हूँ कॉफ़ी लेती हूँ। और ब्राइड की एंट्री हो चुकी है, तो वो तो अभी फोटोशूट वगैरह उनका चल रहा है, तो मैंने कहा जब तक हम कॉफ़ी वगैरह ले लेते हैं उसके बाद जाते हैं। गाइस रिंग सेरेमनी हो रही है इनकी, देखिए अब हो रही है इनकी रिंग सेरेमनी, पहले नहीं हुई थी तो शादी पे ही हो रही है। तो बस अभी डाल रहे हैं रिंग्स एक दूसरे को, ये देखिए गाइस, हाँ डल गई कंचन डाल रही है रिंग। हाँ अब लड़का जलवा रहा है, फाइनली रिंग दे रहे हैं सगन कंचन को, देखिए गाइस कंचन को चढ़ा रहे हैं चुन्नी, मधु मम्मी
अब शुरू हो गई है इनकी, अब फ्रेंड भी आ गए हैं ऊपर, अब इनकी तरफ से हो गई, तो अभी तो लड़के वालों की तरफ से थी, अब इनकी है। तो गाइस हम ये कर रहे हैं, तो अब लड़के वालों का, अब जयमाला की पहले तैयारी कर रहे हैं, बाद में सगन देंगे, कह रहे टाइम ज्यादा हो रहा है, पहले जयमाला कर दो। गाइस फाइनली यहाँ आ गई है बारिश, और देखिए सारा गीला हो गया यहाँ भी, हम यहीं पर खड़े हैं तो बाहर आके यहाँ पर बारिश देखिए सारा बहुत, ये देखिए गाइस, ये दिख रही है ना आपको, दिख रही होगी फ्लो गिर रहा है, बहुत तेज आ रही है बारिश, ये देखिए। तो हम, और देखिए मौसम देखिए गाइस, बिल्कुल खराब हो गया है, बहुत ही खराब हो गया। गाइस यहाँ चल रहा है कंचन का शूट, दोनों का चल रहा है, ये देखिए गाइस भैया करवा रहे हैं पूरा। मेन आधा टाइम तो ऐसे बीत जाता है क्योंकि इस समय खाना हो चुका है और सब हो गया, अभी फेरे में है अभी टाइम, तो उसी वजह से ये काम हो रहा है अभी। शादी तो हो गई बहुत बढ़िया, पक्का पक्का जरूर आंटी, पक्का आएंगे अब ना, फिर हम अभी निकल रहे हैं। दो बजे निकलेंगे, चार घंटे का रास्ता है, बिल्कुल खाली सड़क होती है, इजिली चले जाएंगे। इस टाइम इजिली निकल, आते वक्त हमें बहुत ट्रैफिक मिला है। फिर निकल पड़ेंगे, तो फेरे पहले खाना खा लो ना फिर। अच्छा इनके में फास्ट हो गया, अच्छा इनमें गाइस ये है देखो, हर किसी के अपना अपना होता है, इनके मम्मी पापा ने दोनों ने रखा है बर्फ, जैसे ही फेरे होंगे उसके बाद ही खाना खाएंगे। पानी तो पी सकते हो ना, पी सकते है ना, बट खाना नहीं खाते। तो आज आपका सुबह से वर्क था, सुबह से वर्क था, चलो कोई नहीं, हो गया ये भी सही से हो गया, बस हो गया, बस थोड़ा ही काम रह गया, बस ज्यादा तो हो ही गया, हो गया। हम आ गए यहाँ वापस होटल में, तो अब हम सोच रहे हैं रात को ही निकल जाएं, क्योंकि सुबह फिर ना 12 एक बज जाएंगे, ऐसे अगर हम रात को निकलते हैं तो टाइम से सुबह घर पहुंच जाएंगे 7 बजे तक। तो यही सोच रहे हैं कि घंटा एक बैठ के पैक करते हैं सामान और उसके बाद निकलते हैं हम यहाँ से। और शादी तो गाइस बहुत अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, उसकी लड़की की शादी ठीक से हो गई, और वहाँ से आए हैं। उसकी मम्मी तो कह रही थी कि सुबह चले जाना, मैं कहा नहीं सुबह नहीं, हम रात को ही निकलेंगे, 5-6 घंटे में एटलीस्ट घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद पूजा के पापा भी हैं, उनको भी दिक्कत होती है, काकू भी है, तो मैं सोच रही हूँ सुबह जाके पहुंच जाऊंगी तो मैं भी रेस्ट कर लूंगी, और वैसे भी पीछे बैठ के अगर सोना होगा तो थोड़ी देर मैं वैसे ही सो जाऊंगी। गाइस मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेंगे, हम अपने घर पहुंच जाएंगे। सही डिसीजन लिया जो रात को ही निकल गए, सुबह का चक्कर नहीं पड़ा। अब सुबह तक हम 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाएंगे, पूजा को 10-15 मिनट और ऊपर लगेंगे। तो मैं वही पूजा का कह रही, मैं टाइम से निकल गए तो टाइम से घर आ गए हैं। पूरी रात तो चलो हुई है, मन्नू को भी रात तो काली हुई है, मन्नू भी पूरी रात जागे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, महंगा दिन कम से कम खराब नहीं होगा। और जो दिन में ट्रैफिक होता है, कुछ होता है, वहाँ टाइम लग जाता है, अब आराम से दिन में
थोड़ी देर आराम पे बंदा कर लेता है और शाम को अपने काम पे भी जिसने करना हो वो भी कर सकते हैं। तो गाइज हम यहाँ तक आ चुके हैं, देखिए कूड़े वाले पहाड़ तक आ चुके हैं। तो बस यहाँ से मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता है हमारे घर को, पता चल जाता है कि दिल्ली आ गया बस। हाँ कि हम दिल्ली आ चुके हैं, इसको देखते पता चल जाता है कि दिल्ली आ गए हैं। तो बस अब पहुँचने वाले हैं फाइनली घर अपने। ठीक है मुझे बाय है। तो गाइज मैं अपने घर आ चुकी हूँ और क्या कहते हैं पूजा मुझे नीचे तक छोड़ गई थी, मनु पूजा। तो गाइज बहुत अच्छी शादी का, सारे फंक्शन अच्छे बीते जो भी रह गए थे हमारे, तो ये दो दिन तो बहुत अच्छे उनके साथ बीते पूजा मनु के साथ। तो उसके बाद अभी मुझे नीचे तक, घर के नीचे तक छोड़ के दोनों गए हैं। तो उसके बाद ये घर आई, मैंने रास्ते में ना काकू को फ़ोन कर दिया था चाय बना के रखी हो, तो इन्होंने चाय बना के मेरे लिए रखी और आते ही मैंने चाय पी है। गाइस मैं फ्री हो चुकी हूँ चाय पी के, क्योंकि थकावट हो रही होती ना वो चाय से उतर जाती है। तो बस और मैं तो बीच बीच में फिर भी सो गई रात को, मैं बताऊँ मन्नू बिल्कुल नहीं सोए। मन्नू तो क्योंकि मन्नू कैसे सोते, मन्नू तो कार चला रहे थे, तो वही मन्नू बोल रहे थे कि ना मम्मी जी बहुत नींद आ रही है। मैंने कहा आप घर जाओ और आराम से अपना, तो वो भी चाय वगैरह पी के अपना सो जाएंगे, क्योंकि दोपहर तक भी सोते हैं तो शाम को शॉप खोल लेंगे कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट रेस्ट हो जाएगा उनका। तो गाइज आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर, एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।